जब सिफारसी खिलाड़ी टैलेंट पर भारी पड़ते हैं, जीता हुआ मैच हाथ से रेत की तरह फिसल जाता है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब भारतीय टीम ने किसी टेस्ट मैच में अपने घर पर 100 रन से बड़ी लीड ली और लेकिन मुकाबला हार गई। आपको पता है कि टीम में ना तो पुजारा है ना रहने। रही सही कसर तो विराट कोहली ने 2 टेस्ट मैचों में छुट्टी लेकर पूरी कर दी। ऐसे में क्या कप्तान और कोच को सोचना नहीं चाहिए था कि मध्यक्रम में विराट की अनुपस्थिति में उनकी जगह किस अनुभवी खिलाड़ी को टीम में शामिल किया जाए। विराट के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में रजत पाटीदार शामिल किए गए। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे विश्व कप में हार्दिक के चोटिल होने पर उनके बाद रिप्लेसमेंट के तौर पर प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल किया गया था। रिप्लेसमेंट वह होता है जो मूल खिलाड़ी की जगह ले सके और प्लेइंग 11 में शामिल रहे। लेकिन वर्तमान में भारतीय टीम के कोच और कप्तान अलग ही फार्मूले पर कार्य कर रहे हैं। रिप्लेसमेंट तो किया जाता है, लेकिन रिप्लेसमेंट के तौर पर ऐसे प्लेयर का चयन किया जाता है जो ना प्लेइंग 11 का हिस्सा बन पाता है और ना ही बनने लायक होता है। सोचिए, क्या विश्व कप में हार्दिक का रिप्लेसमेंट प्रसिद्ध कृष्णा हो सकते थे? क्या विराट का रिप्लेसमेंट रजत पाटीदार हो सकते थे? इन दोनों सवालों के जवाब है बिल्कुल नहीं। कुछ लोग कह सकते हैं रजत पाटीदार युवा है और अच्छे बल्लेबाज है, वो इसलिए उन विराट का रिप्लेसमेंट बनना सही फैसला है। लेकिन उनके सवाल है कि एक सीनियर प्लेयर का रिप्लेसमेंट युवा हो सकता है क्या? क्या जो अनुभव विराट के पास है वैसे अनुभव वाले खिलाड़ी मौजूद नहीं थे भारत में? सही मायने में विराट का रिप्लेसमेंट चितेश्वर पुजारा हो सकते थे, क्योंकि पुजारा अनुभवी है। अगर विराट के रिप्लेसमेंट के तौर पर चितेश्वर पुजारा को चुना जाता तो मामला फिर से फंस जाता कि उनकी पसंदीदा गिल या अय्यर में से किसी एक को बाहर होना पड़ता। ऐसी स्थिति में पुजारा बाहर बैठना भी सही नहीं लगता। बस यही वजह रही कि विराट के रिप्लेसमेंट के तौर पर रजत पाटीदार को टीम में चुना गया। मैनेजमेंट और कोच की जिद है कि हम भले हार जाए लेकिन गिल और अय्यर को बाहर नहीं बिठाएंगे। अगर विराट के रिप्लेसमेंट के तौर पर पुजारा आए तो वह पहला टेस्ट खेल रहे होते और भारत 230 रन के लक्ष्य से 28 रन पीछे नहीं रह जाता। कमेंट करके बताएं, क्या आपको भी लगता है कि सिफारसी खिलाड़ियों को जगह भारत में अनुभवी खिलाड़ी होने चाहिए? क्या सिफारसी खिलाड़ियों की वजह से ही भारत हैदराबाद का पहला टेस्ट हार गया?